गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम बड़े ए की मात्रा और छोटे ए की मात्रा का अभ्यास करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक बैंगन घर का चित्र है। इस बैंगन के अंदर हमने क्या रखा है, हमने छोटे ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा को के शब्द को लिख लिया है। अब इन शब्द को हमने अलग करना है। जहाँ छोटे ए की मात्रा है वो यहाँ लिखेंगे और जहाँ हम देख रहे हैं बड़े ए की मात्रा उन शब्दों को उठाकर हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हम मात्राओं को अलग अलग करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। शुरू करते हुए छोटे ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा का अभ्यास यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैनिक। यहाँ देख रहे होंगे दो मात्रा है तो ये बड़े ए की मात्रा, तो हम इसे पहले लिख कर ले रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ सैनिक। जैसे कि बच्चों मैं हमेशा कहती हूँ आपको, आपको गाइड करती आ रही हूँ कि जब आपको कोई भी मात्रा का अभ्यास करना है तो जो भी आप अभ्यास एक मात्रा के साथ करते हैं वही अभ्यास हम हर मात्रा के साथ लेकर कर सकते हैं, जिससे कि आपको मात्रा पहचानने में आसानी हो। तो यही अभ्यास आप दूसरे और मात्राओं के साथ भी कर सकते हैं। आप देखें अगला है हमारे पास पेड़। पेड़ में एक ही मात्रा है, छोटे एक ही मात्रा, हम लिखेंगे यहाँ पेड़। डब नीचे भी लगाए रिविजन को हम पूरा करेंगे। तो बच्चों आप घर